हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ALP टेक्नीशियन भर्ती 2018 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जैसे जैसे रेलवे में ALP कैंडिडेट का डिमांड बढ़ रहा है, सभी RRB अपने ALP वाले कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर कर रहे हैं और पैनल लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी किसी RRB से एडिशनल पैनल जारी किया जा रहा है, कहीं से डाइवर्जन पैनल जारी किया जा रहा है और कोई कोई RRB रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी वेटिंग क्लियर किया जा रहा है, सभी जोनल रेलवे की डिमांड के अनुसार जारी किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी तक साउदर्न रेलवे से कोई भी ALP कैंडिडेट का पैनल जारी नहीं किया है और ना ही कोई वेटिंग क्लियर किया है। फ्रेंड्स, जैसा अपडेट आया है, साउदर्न रेलवे ने 227 ALP कैंडिडेट का डिमांड किया है। तो फ्रेंड्स, इस डिमांड को जो साउदर्न रेलवे की अंतर्गत RRB आती है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। यानी साउदर्न रेलवे के अंतर्गत RRB चेन्नई, RRB तिरुवनंतपुरम और RRB बेंगलोर आती हैं। तो 227 जो कैंडिडेट हैं इनको 3 RRBओं में बांट दिया है। अब देखिए, जो RRB चेन्नई है वहाँ पर 39 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, RRB तिरुवनंतपुरम से केवल एक कैंडिडेट और RRB बेंगलोर से 126 कैंडिडेट। यानी तीनों RRBओं को मिलाकर के साउदर्न रेलवे को 156 कैंडिडेट मिले हैं। यानी अभी ये पैनल जारी नहीं किया है, लेकिन जो डिमांड आया है उसके अनुसार अवेलेबल हैं 156 कैंडिडेट। अभी यहाँ से 71 सीटें खाली रहने वाली हैं। तो देखिए क्या कुछ ऑफिशियल डेटा आया है, ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस। अब नीचे चलते हैं साउदर्न रेलवे के कैंडिडेट का अपडेट देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, साउदर्न रेलवे वाले कैंडिडेट का पूरा अपडेट यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, जो साउदर्न रेलवे ने ALP कैंडिडेट का डिमांड किया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने कैंडिडेट का किया है। तो UR कैटेगरी में देखिए 76 कैंडिडेट, OBC कैटेगरी में 25, SC कैटेगरी में 53 और ST कैटेगरी में 73 कैंडिडेट। टोटल जो डिमांड किया है 227 कैंडिडेट का किया है। अब फ्रेंड्स, ये 227 कैंडिडेट को इन्होंने 3 RRB में डिस्ट्रीब्यूट किया है, RRB चेन्नई, RRB तिरुवनंतपुरम और RRB बेंगलोर। अब देखिए, चेन्नई में इनको 39 कैंडिडेट का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तिरुवनंतपुरम से केवल एक कैंडिडेट का और RRB बेंगलोर से 116 कैंडिडेट का। यानी इनको 227 कैंडिडेट लेने हैं साउदर्न रेलवे को, वो 3 RRB से लेने हैं और तीनों RRB से मिलाकर इनको केवल 156 कैंडिडेट ही मिलने वाले हैं। अभी भी फ्रेंड्स, यहाँ से 71 कैंडिडेट हैं ALP के, उनकी सीटें खाली रह जाएंगी जो साउदर्न रेलवे ने डिमांड किया है उसके अनुसार। फ्रेंड्स, ये पैनल लिस्ट आने वाला है, अभी पैनल आया नहीं है, लेकिन जो डेटा जारी किया है उसके हिसाब से इतने के आसपास यहाँ से पैनल आने वाला है। यानी 156 कैंडिडेट के आसपास साउदर्न रेलवे से पैनल लिस्ट आने वाला है जो इन्होंने डिमांड किया है। इसमें 3 RRB के कैंडिडेट रहेंगे, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर के। अब फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज बात करें तो देखिए, RRB जो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम है उसमें UR का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। 76 कैंडिडेट जो है जो सारे के सारे बेंगलोर के रहेंगे। इसी प्रकार देखिए, ये UR का कैटेगरी है, ये OBC का है। OBC में सिर्फ चेन्नई के कैंडिडेट रहेंगे, बाकी तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। SC कैटेगरी में देखिए, 53 कैंडिडेट का डिमांड किया है, सिर्फ चेन्नई से 4 हैं, तिरुवनंतपुरम से 1 है और बेंगलोर के 23 कैंडिडेट हैं। ST कैटेगरी में 73 कैंडिडेट का डिमांड किया है, जो चेन्नई में केवल 2 कैंडिडेट इनको मिले हैं, तिरुवनंतपुरम से कोई भी नहीं है और बेंगलोर से 27 कैंडिडेट। ऐसे कुल मिला के 19 कैंडिडेट इनको ST में मिलने वाले हैं। तो टोटल 156 कैंडिडेट का यहां से पैनल आने वाला है। डिमांड किया था 227 का और पैनल मिलने वाला है 156 का। यानी यहां से 71 कैंडिडेट का अभी भी वैकेंसी खाली रहने वाला है। यदि इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा या इनका मेडिकल में अनफिट हो जाएगा तो वहाँ से फिर वेटिंग क्लियर करके दोबारा से इनका पैनल जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है साउदर्न रेलवे की डिमांड के अनुसार जो डेटा जारी किया है वो है, ये 3 RRBओं में बांटा है। बाकी भी जो RRB हैं उन्होंने भी इसी तरीके से जोनल रेलवे की डिमांड पर अपने एडिशनल पैनल जारी किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा अपडेट था, वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।